हरा सकता है बिहार। अभी तक मिले 100 से अधिक संदिग्ध, नहीं मिला एक भी पॉजिटिव केस। सरकार और प्रशासन पूरी तरह चौकस। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना के कहर से डरा हुआ है, वहीं बिहार में अब तक लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहां संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव ही आ रही है। सूबे में वैसे तो इस वायरस के संदेह पर जांच कराने वाले मरीजों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो गई है, पर अब तक इस बीमारी से संक्रमित कोई मरीज नहीं मिल पाया है। हालांकि बिहार सरकार और प्रशासन लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस को सरकार ने महामारी तक घोषित कर दिया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर बिहार में एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब प्रशासन को कई तरह के अधिकार भी मिल गए हैं। अगर किसी संदिग्ध मरीज में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे बलपूर्वक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। वहीं इसे लेकर अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका उद्देश्य बस यही है कि किसी तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लोगों में नहीं हो पाए। सूबे में सभी हॉस्पिटल से लेकर रेलवे स्टेशन और पटना गया एयरपोर्ट को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो बिहार के सभी जिला अस्पतालों में कोरोना के लिए ब्लड जांच की सुविधा उपलब्ध है। जो लोग विदेश से वापस बिहार आए हैं उन्हें निगरानी में रखा गया है। इनमें ईरान से आए सिवान के 5 व्यक्ति और गोपालगंज के 4 लोग डॉक्टरों की निगरानी में हैं। कोरोना वायरस को लेकर पटना के PMCH, एम्स और IGIMS को भी अलर्ट पर रखा गया है। यहां इमरजेंसी वार्ड में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। इसमें संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहां डॉक्टरों द्वारा अब तक 1,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। बहरहाल कोरोना वायरस का दहशत पूरे देश में है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहां कोरोना ने अभी तक अपने पांव नहीं पसारे हैं। हालांकि लोग हल्की सी सर्दी खांसी होने पर हॉस्पिटल का सहारा ले रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अभी तक जितने संदिग्ध मरीजों की जांच भी हुई है, किसी में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में ये बात साफ हो जाती है कि बिहार अभी तक कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित है। इसलिए लाइव सिटीज भी ये अपील करता है कि लोग अभी ज्यादा टेंशन ना लें और ना ही पैनिक हो, बस वे अफवाह से बचकर अपनी साफ सफाई पर ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज।